नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। जौनपुर में कार्यकर्ताओं के साथ ओमप्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा की तरफ से तलाक हो गया है और इधर से भी हो गया है। उन्होंने कहा कि हम अपने विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, सभी 27 तारीख तक हमारी बैठक चलेगी। बैठक के बाद विधायक और कार्यकर्ताओं की राय लेकर बसपा से बात की जाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश में सरकार गठबंधन से बन रही है और हम भी गठबंधन करेंगे, बसपा से बात किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एसी में सब बैठते हैं लेकिन बसपा सुप्रीमो क्षेत्र में जाकर जमीनी हकीकत समझती है। जैसे अमित शाह करते हैं, ये लोग अखिलेश की तरह एसी में बैठकर राजनीति करने वाले नहीं है। जौनपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट। उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में 4 मीटिंग पूरे उत्तर प्रदेश की 18 मंडल से बुला करके मीटिंग कर चुकी 4 बार। अखिलेश जी तो एक बार नहीं की, आप बताइए। एसी में दोनों हैं, दोनों के काम को देख लीजिए। एसी में अमित शाह जी भी रहते हैं लेकिन काम को देख लीजिए। तो संगठन का काम धरातल पे कैसे हो, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है उसको। ऐसा क्यों? दिल्ली में दोनों लोग जाके मोदी जी से मिलते हैं तो चर्चा नहीं होती है। भाई इलेक्शन आजमगढ़ रामपुर के बाद ही दिक्कत नहीं, हम तो शुरुआत से जब जिस दिन अंदर गए घर में, देखिए कहावत है तो गांव के रहने वाला मना यही भाई है ना। जब कोई नई किसी बेटी की शादी होती है, जब ससुराल जाती है तो पहले तो बहुत तोप लगता है, जब अंदर जाती है तब पता लगता है कि अंदर का हाल है। बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही हाल रहा। अंदर जाने के बाद जिस लड़ाई को हम लेके गए, हम बराबर लड़ते रहे, झगड़ते रहे और हमारी बात को ना विधानसभा में माने, ना भाई इलेक्शन में माना, ना कोई बात मानी। फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हम लड़ने लगे कि इसको तैयारी करो, नहीं बात मान रहे हैं। हमने तो यही ना कहा कि एसी से बाहर निकल के चलो मैदान में, नॉन एसी का मजा लिया जाए, का बुरा है। तो अब ये बात उनको सलाह अच्छी नहीं लगी। अच्छा, 2024 बताए न कि अभी बहुजन समाज पार्टी से बात करेंगे। अच्छा, भाजपा से भी आप बात कर रहे हैं? हम किसी से अभी बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा से आपको वाइस एडिक सुरक्षा दे देगी, उसी के नाते नहीं नहीं देखिए चालू हो गया। नहीं वो लेट देखिए, अब ये बात उनका कहना ठीक है, हम गलत हैं। शिवपाल चाचा जी का है, शिवपाल तो उनके चाचा हैं ना। आप भी चाचा जी हैं? नहीं, हम तो नहीं चाचा थे, हम दूसरे चाचा हैं, मानने वाले चाचा हैं। वो तो उनके सगे चाचा हैं और सगे चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अपर्णा यादव को, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमको का संभालेंगे? ये सब जानते हुए भी तो आप सपा में गए थे। अरे तो जान के नहीं, जहर खाते हैं लोग कभी कभी। भारतीय जनता पार्टी के मालिक संजय भैया नहीं है? वहां दुइये नेता मालिक है, अमित शाह जी और मोदी जी। नीचे चाहे जितना जो चिल्लाए, हम बहुत तोप है, हम सब पढ़ लिए हैं। कौनो पार्टी में आपकी मीटिंग हुई इस बीच अमित शाह जी से? नहीं, हमारी मीटिंग जब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, जब अखिलेश जी की तरफ से कोई बात नहीं हुई, जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता किया, यशवंत सिन्हा को बुलाया उसमें भी नहीं बुलाया, जब लोगों से मशविरा लेने की भाई वोट के संबंध में बैठक हुई तब भी नहीं बुलाया, डिनर पार्टी में भी नहीं बुलाया। 7 तारीख जब बीत गया तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आता है, मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं, हमको बात करा दो। बात हुई, उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी आपसे मिल के वोट की अपील करना चाहती हैं और हम भी कह रहे हैं, और हमारी आपकी मुलाकात हो जाए। तो हम के हम तो ही लखनऊ हैं, बगलिया में पिछवर में हैं, यहीं पिछवर रहते हैं उनके, तो चले गए। बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो लड़ाई लड़ते हो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, वंचितों की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी से आप मिल लो, उनकी बात सुन लो, उनके बिल्कुल मिलेंगे, चले गए डिनर पार्टी में। हम भी बातचीत हुई, ये बात उनको नागवार लगी कि डिनर पार्टी में वहाँ माल खाने क्यों चला गया। भाई आप क्यों नहीं बुला के खिलाए, क्यों भगा दिए? आपको बुलाना चाहिए, हम अगर नहीं जाते, ये विधायक गवाह हैं हमारे बेदी राम जी। 5 तारीख को फोन आता है, अरविंद राजभर पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ फोन आता है कि 7 तारीख को 10 बजे मीटिंग है, अपने सभी विधायकों को
बुला लीजिए। फिर मुझे मैसेज मिला, मैं खुद सबको फ़ोन किया कि आप 6 तारीख को आप लोग 12 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचिए। हम 6 लोग पार्टी कार्यालय पहुंच गए, बैठक हुई, तय हुआ कि भाई कल जो है 10 बजे सब लोग साथ चला जाएगा। 3 बजे फिर फोन आ जाता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई। अब देखिए खेल वहीं से शुरू हो जाता है। 7 तारीख को उनकी मीटिंग भी हुई, प्रेस वार्ता भी हुई, डिनर पार्टी भी हुई, यशवंत सिन्हा भी आए। आप बताइए किसका दोष है? हमरे समनवा बतिया में तब ना हम बताएंगे। आदमी है, जमीनी बात करते हैं, हमेशा जमीन पर रहते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को किससे खतरा हो गया कि वायु श्रेणी सुरक्षा मिल गई? शायद आपको पता होगा कि 9 मुकदमे लिखे गए मेरे, जो धमकी दी गई और जान से मारने की, और गाड़ी रोक करके जो मारपीट हुई गाजीपुर में 2 मुकदमे हुए, आपके आजमगढ़ में मुकदमा हुआ, बनारस में मुकदमा हुआ, गोरखपुर में मुकदमा हुआ, लखनऊ हजरतगंज में मुकदमा लिखा गया। तो उस समय वहाँ एक परिचित थे, हमने कहा कि इसका खुलासा करो भाई, कोई खुलासा नहीं हो रहा है। हड़िया से गिरफ्तारी हुई, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई 3 मुकदमे में। तो उसमें हमने लिखा पड़ी शासन को की लंबे समय से कौन लोग हैं ये जो? अब कौन लोग हैं अपराधीन के, कौन दुनिया बताएं कौन लोग हैं? हम तो गांव के रहने वाला मैं यही भाई है ना। जब कोई नई किसी बेटी की शादी होती है, जब ससुराल जाती है, पहले तो बहुत तोप लगता है, जब अंदर जाती है तब पता लगता है कि अंदर का हाल है। बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही हाल रहा। अंदर जाने के बाद जिस लड़ाई को हम लेके गए, हम बराबर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और हमारी बात को ना विधानसभा में माने, ना भाई इलेक्शन में माना, ना कोई बात मानी। फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके हम लड़ने लगे कि इसको तैयारी करो, नहीं बात मान रहे हैं। हमने तो यही ना कहा कि एसी से बाहर निकल के चलो मैदान में, नॉन एसी का मजा लिया जाए, का बुरा है? तो अब ये बात उनको सलाह अच्छी नहीं लगी। एवी श्रवण मेला किस विषय को लेकर जनता की प्रतिक्रिया क्या है?